गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी ईशा आपके लिए इतनी आसान सी फेस की एक्सरसाइजेस लेकर आई है जिसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आपका जितना भी फेस का फैट है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा, आपका ये जॉ लाइन बिल्कुल हाईलाइट और पॉइंटेड हो जाएगा, इनफैक्ट आपकी जो चिक बोन है वो भी बहुत अच्छे से टोन होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके फेस को एक बहुत अच्छा कट मिल जाएगा। और इसका सेकेंड बेनिफिट पता है आपको क्या होता है, जब हम कोई फेस की एक्सरसाइज करते हैं तो इसका रिजल्ट ना हमारे एंटी एजिंग की तरह काम करता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके पूरे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है जिससे आपके फेस पे नेचुरली बहुत अच्छा ग्लो आता है और साथ में जो आपकी एजिंग है ना वो स्लो डाउन हो जाती है। तो सोचो एक एक्सरसाइज का कितना ज़्यादा बेनिफिट है, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपकी अनइवन स्किन है तो उस पर भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर फॉलो करें और इसका अल्टीमेट रिजल्ट 7 डेज के अंदर आपके फेस पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिना ज्यादा बकबक करे फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कैसे इन्हें फॉलो करना है। अब बारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज की। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने मुंह से, जैसे च्यूइंग करते हैं हम, खाने को च्यू करते हैं, चबाते हैं, सेम ऐसे ही प्रोसेस करना है। कैसे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? आप देख रहे हो पूरी मसल्स मेरे नेक की आपको दिख रही होगी, है ना, हाईलाइट होती हुई, तो ये आपके बहुत अच्छे से जॉ लाइन को हाईलाइट करेगा। एक्सरसाइज फॉलो करने के बाद सारी आपके यहाँ पर काफ़ी फेस में थोड़ा थोड़ा पेन भी होगा, लेकिन वो पेन बहुत पॉजिटिव है क्योंकि आप अपनी मसल को जब स्ट्रेच करते हैं तो, बट ऑब्वियस है कि पेन होना लाजमी है, ठीक है? तो चलिए इसको हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे लेकिन ऊपर की तरफ देखते हुए। ऐसा आपको 20 बार करना है और इसके आपको करने हैं 3 सेट, ठीक है? गुड, तो यहां पर हमारी कंप्लीट होती है फर्स्ट एक्सरसाइज, राइट? अब बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, अपनी टंग को बाहर निकालना है, इसको बोलते हैं सिंहासन भी बोलते हैं, आप इसमें गर्जना भी कर सकते हैं। जब आप इसको गर्जन करेंगे, ठीक है, और अपने मुंह से साउंड निकालेंगे तो ये आपके थायराइड ग्रंथि पर बहुत अच्छे से काम करता है जिससे कि आपका थायराइड जो अगर बड़ा हुआ है तो वो भी कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? कैसे करना है देखते हैं। इससे बहुत अच्छा आपके फेस पे ग्लो आता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। अगर आपके नेक लाइन पे यहाँ पे फाइन लाइंस आ रही हैं या आपके माउथ एरिया पे बहुत ज़्यादा लाफिंग लाइंस हैं, रिंकल्स आने लगे हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स दूर करता है, आपके फेस पे नेचुरली ग्लो लेकर आता है, फैट तो रिड्यूस करेगा ही करेगा। तो चलिए इस प्रोसेस को आपको 20 टाइम्स करना है और कम से कम मिनिमम इसको 3 टाइम्स रिपीट करना है। तो इसके लिए आप अपनी लेग्स को बैक साइड पे लेकर जाइए, अपने दोनों हैंड को आप ऐसे प्लेस करिए, इस तरीके से मैट पे प्लेस करिए अपनी बॉडी को आगे करते हुए, ठीक है? अपने हिप को पीछे की तरफ, अपने चेस्ट को आगे की तरफ करते हुए, शोल्डर को आगे लेकर आते हुए, के लिए पोजीशन होल्ड करें, देन इसको फिर से प्रोसेस करें। मैं अगेन आपको दिखाती हूं। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने मुंह से ओ और एक्स करना है, ठीक है? कैसे करना है मैं आपको बताती हूं। इस प्रोसेस को आपको करना है 20 टाइम्स और मिनिमम इसके आपको 3 टाइम्स रिपीट करना ही करना है, मेक श्योर, ठीक है? ये आपके बहुत अच्छे से, स्पेशली इस वाले एरिया को बहुत अच्छे से हाईलाइट करेगा, आपकी यहाँ की जो फैट है यहाँ का डबल चिन का, उसको बहुत अच्छे से टोन करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है हमारी लास्ट एक्सरसाइज। बहुत आसान थी, सिर्फ आपको मैंने 4 एक्सरसाइज बताई हैं जिनको आपको रेगुलर फॉलो करना है। इसके लिए हमें अपने मुंह में एयर ब्लो करना है और उसको साइड टू साइड रोटेट करना है। कैसे? Like this, तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। तो गाइज, आई होप कि आपको सारी एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल लगेंगी करने के बाद, और डेफिनेटली आपको इससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, वो भी मात्र 7 डेज में। तो प्लीज इसको आज से फॉलो करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और हाँ, मेरा कोई भी एक्सरसाइज अगर आप चैनल पर देखते हैं तो वो पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए नहीं होता, बूढ़ों के लिए नहीं होता, जवान के लिए नहीं होता, बल्कि हर उम्र का इंसान वर्कआउट करके अपने फेस के, अपने ओवरऑल बॉडी के फैट को रिड्यूस कर सकता है, अपने फेस पर ग्लो लेकर आ सकता है। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा चबी चिक्स हैं तो भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे वो भी टोन हो जाएंगे, आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा। अगर आप फेस के फैट को नहीं कम करना चाहते तो भी इन एक्सरसाइज को फॉलो करें, नेचुरली आपके फेस पे ग्लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाइट। तो कोई भी अगर आप चीज़ फॉलो कर रहे हैं, अच्छा जब तक खाएंगे नहीं तो आपके फेस पर, आपके बॉडी पर उसकी रंगत नहीं आएगी। तो मेन चीज़ है अच्छा खाएं। जितना ख़राब और गंदा फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, उतना ही आपका फेस डल होगा, समय से पहले झुर्रियाँ आएंगी। और मेक श्योर कि आप अपने फेस का टॉवल और अपने बॉडी का टॉवल अलग रखें, जब भी धूप में जा रहे हैं, चाहे विंटर्स हो, रेनी सीजन हो, सन ब्लॉक यानी सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है? तो ऐसे ही खूब सारा खुश रहें, पानी ज़्यादा पिएं, स्ट्रेस कम लें, आपके फेस पर ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा। मिलते हैं कुछ बेहतरीन एक्सरसाइजेस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।